हेलो एवरीवन वेलकम टू अर यूट्यूब चैनल ऑडियो बर्स रिंग ऑफ बिजनेस वुमेन एट स्कूल चैप्टर 151 टू 160 वांग डाचेंग पूरी तरह से दंग रह गए उसने सोचा था कि चार सौ शून्य 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 युवाओं पर्याप्त होंगे लेकिन काव्या ने एक दशमलव पांच मिलियन युआन मांगे उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे पांच बार प्रति सप्ताह इतना लाभदायक होगा इसका साप्ताहिक टर्नओवर उनके चांद बार से कई गुना ज्यादा था वांग डाचेंग की ईर्ष्या जल रही थी उपकरण के मुआवजे और पुनर्सज्जा के दौरान हुए नुकसान के लिए वांग डाचेंग ने इसे स्वीकार करने के लिए खुद को राजी किया लेकिन वह कर्मचारियों के मानसिक नुकसान और वी पांच बार द्वारा खोई प्रतिष्ठा का भुगतान करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे यह एक डकैती थी वांग डाचिंग ने गुस्से में तर दिया क्या तुम मुझे लूटने की कोशिश कर रहे हो मैं कर्मचारियों के मानसिक नुकसान और वी पांच बार द्वारा खोई प्रतिष्ठा को छोड़कर केवल मुआवजा स्वीकार करूंगा फिर भी उसे अभी भी सात सौ सत्तर शून्य 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 युवाओं का भुगतान करने की आवश्यकता थी जो कि उसकी भविष्यवाणी से बहुत अधिक कीमत थी लेकिन अब उसे परिणाम भुगतने पड़े मुझे परवाह नहीं है कि यह आपके लिए स्वीकार्य है या नहीं आपको इसे स्वीकार करना होगा या आप यहाँ से सुरक्षित रूप से नहीं निकल पाएंगे काव्या ने धमकी दी वह अपने विरोधियों के प्रति क्रूर थी तुम वांग दाचेंग चौंक गए वांग दाचेंग बेहतर होगा कि आप जल्द से जल्द मुआवजे का भुगतान करें इस भी पांच बार को किंग ज्ञान का समर्थन प्राप्त है आप असफलता के परिणामों को सहन नहीं कर सकते चेन लॉयर ने टोका उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वह दयालु था बल्कि इसलिए कि वह अब बहुत दर्द में था वह खुद जल्द से जल्द अस्पताल के लिए निकलना चाहता था क्या वांग डाचेंग लगभग बेहोश हो गए किंग गिरोह वी पांच बार को किंग ज्ञान का समर्थन प्राप्त था यह कैसे संभव हुआ वह इस पर विश्वास नहीं करना चाहता था लेकिन चेन लॉयर ने उसे व्यक्तिगत रूप से कहा उसे इस पर विश्वास करना ही था वांग डाचेंग ने संघर्ष करना बंद कर दिया और अंत में मुआवजे का भुगतान किया इस बार उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी वह अपने साथ इतना कैश नहीं लाया और उसे ट्रांसफर करना चुना हाओ रान ने उसके साथ भी एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए ताकि भविष्य में उसे किसी दिन पछतावा हो हालांकि वे वांग डाचेंग से डरते नहीं थे लेकिन वे और परेशानी नहीं चाहते थे उसके बाद वांग डाचेंग और चेन लॉयर अन्य गुंडों के साथ बिना देरी किए निकल गए और प्रत्येक कर्मचारी को मानसिक क्षति के लिए दस हजार युवान मिले वित्तीय कर्मचारी कल उनके बैंक कार्ड में पैसे ट्रांसफर कर देंगे फिर वे पांच बार को फिर से सजाने की जरूरत थी सभी कर्मचारियों को स्वाभाविक रूप से काम करने की आवश्यकता नहीं थी इसके अलावा वे सभी सवेतन अवकाश पर थे बार प्रबंधक और वित्तीय कर्मचारी पुनर्सजावट के प्रभारी होंगे बाद में हाओ रान ने काव्या और अन्य लोगों को उनकी मदद के लिए धन्यवाद देने के लिए रात के नाश्ते के लिए आमंत्रित किया हालांकि उनके जाने से पहले हाओ रान एक बात का पता लगाना चाहता था उन्होंने चू जुआनफेंग से संपर्क करते हुए पूछा भाई चू आपने फ्लाइंगिगल गैंग को डराने के लिए किंग गैंग के नाम का इस्तेमाल किया क्या यह ठीक रहेगा यह ठीक हो जाएगा किंग गैंग की सिटी एफ शाखा के प्रमुख और मैं दोस्त हैं वे मुझे भी पांच बार की देखभाल करने में मदद करेंगे चू जुआनफेंग ने कहा अपनी वास्तविक पहचान की रक्षा के लिए उसने हाओ रैन को यह नहीं बताया कि वह क्विंग गैंग में झूक समूह का नेता है वह नहीं चाहता था कि क्विंग गैंग में उसकी स्थिति के कारण काव्या और अन्य लोग चू पेहान से दूर रहें चू पेहान के लिए करीबी दोस्त बनाना आसान नहीं था हालांकि चू जुआन को आश्चर्य हुआ क्या भाई चू आप किंग की, की सिटी एफ शाखा के प्रमुख को जानते हैं वह तो कमाल है समाचार से हाओ रान चकित था उन्होंने स्पष्ट प्रशंसा के साथ चू जुआन फेंग को देखा किन जिक्सुन झान तियानपिंग और म्यू के सभी की एक जैसी प्रतिक्रिया थी यीशु यह बहुत अच्छा है आप शाखा प्रमुख को जानते हैं वह एक शक्तिशाली व्यक्ति होना चाहिए मैं अब बहुत उत्साहित हूं किन जिक्सुन ने कहा मैं भी मुझे भी झांग तियानपिंग ने जोड़ा तुम इतने उत्साहित क्यों हो आप शाखा प्रमुख को बिल्कुल नहीं जानते खैर सच कहूं तो मैं भी रोमांचित हूं हालांकि हम शाखा प्रमुख को नहीं जानते हैं हम भाई चूके दोस्त हैं सही म्यूके ने चू जॉनफेंग की ओर रुख किया वे कब से दोस्त बन गए थे यह पहली बार था जब वे एक दूसरे से मिले भी थे वे अभी तक एक दूसरे से परिचित नहीं थे वे लड़के केवल किंग ज्ञान के साथ संबंध बनाना चाहते थे भाई चू कृपया अभी से हमारा समर्थन करें हाउरान ने कहा चू ज्वानफेंग ने झटके से अपनी आंखें गोल कर ली उन किशोरों की कल्पना वैसी नहीं थी जैसी उसने कल्पना की थी लेकिन उन्हें यह देखकर भी राहत महसूस हुई कि वे इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं चू पेहान का भी यही विचार था झूक समूह का नेता अब उनकी आंखों के ठीक सामने खड़ा था एक शाखा प्रमुख वास्तव में कोई नहीं था फिर भी चू पेहान और चू जुआनफेंग दोनों का उन्हें अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बताने का कोई इरादा नहीं था लड़कों की नज़रों में किंग ग्यांग वास्तव में भयानक था लेकिन यह सुपर रोमांचक था अगर वे किंग में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को जानते थे वे आज्ञाकारी बच्चे नहीं थे लेकिन उन्होंने कानूनों का पालन किया हालांकि क्विंग गिरोह एक रहस्यमय गिरोह था वे जानते थे कि यह दुष्ट नहीं था इसलिए वे इससे डरे हुए थे लेकिन इसके प्रति आकर्षित भी थे हालांकि एन ही और यू मिक्सी का रवैया अलग था वे किंग ज्ञान से भी डरते थे लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि यह आकर्षक है वे इससे बिल्कुल भी नफ़रत नहीं करते थे काव्या के लिए वह वास्तव में उत्साहित नहीं थी लेकिन यह अच्छी खबर होगी अगर किंग ज्ञान के साथ उसके अच्छे संबंध हो सकते हैं क्या क्या तुम मुझे धोखा देने जा रहे हो उन्हें इतना उत्साहित देखकर काव्या ने हवा से पूछा वे सब एकदम से चुप हो गए थोड़ी देर के बाद उन्होंने तुरंत अपना स्वर बदल दिया बिल्कुल नहीं आप हमेशा हमारे बॉस हैं वास्तव में कृपया हमसे नाराज न हो बॉस हाँ हाँ सबने बड़ी ईमानदारी से कहा ठीक है मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ काव्या हंस पड़ी वह पहले बाहर चली गई उसके बाद अन्य उन्होंने पीने की योजना बनाई इसलिए किसी ने कार नहीं चलाई वे एक सी फूड रेस्तरा में टैक्सी ले गए और एक बड़े निजी कमरे का आदेश दिया हाँ रान को भारी मात्रा में मुआवजा मिला था इसलिए उन्होंने कीमत के बारे में सोचे बिना कई बेहतरीन व्यंजनों का ऑर्डर दिया फिर भी भोजन के लिए उन्हें केवल कई हजार युआन खर्च करने पड़े रात के नाश्ते के दौरान चू ज्वानफेंग को सीटू ये का फोन आया सीटू ये ने पूछा कि वह अब कहाँ है आगे सोचे बिना चू ज्वानफेंग ने अपने बॉस से कहा कि वह अपनी छोटी बहन और उसके दोस्तों के साथ रात का नाश्ता कर रहा है उन्होंने सीटू ये को रेस्टोरेंट की लोकेशन भी बताई अप्रत्याशित रूप से सीटू ये अभी सिटी एफ पहुंचे थे वह बीस मिनट में रेस्तरा में होंगे जिसने चू ज्वानफेंग को चौंका दिया हालांकि इससे पहले कि चू जुआनफेंग एक और शब्द कह पाता सीटू ये ने फोन रख दिया चू ज्वानफेंग काफी देर तक गूंगा बना रहा मेज के आसपास के अन्य लोगों ने चू ज्वानफेंग के चकित चेहरे को देखा वे सभी उनके चेहरे पर एक हैरान नजर के साथ उसकी ओर मुड़े क्या हुआ चू पेहान ने अपने बड़े भाई से सावधानी से पूछा उसका बड़ा भाई आमतौर पर शांत रहता था अगर कुछ बुरा होता तो भी वह शांत रह सकता था चू पेहान की आवाज़ सुनकर चू ज्वानफेंग को आखिरकार अपना दिमाग वापस आ गया उसे एहसास हुआ कि उसने अपना शिष्टाचार खो दिया है इसलिए उसने शर्मिंदा मुस्कान के साथ समझाया उम मेरा एक दोस्त है जो जल्द ही यहाँ आएगा क्या आप हालांकि चू जुआनफेंग को यकीन नहीं था कि सीटू ये इस निजी कमरे में आएंगे उन्होंने महसूस किया कि उन्हें बताना बेहतर होगा बिल्कुल नहीं दूसरों ने कहा तिहान यहाँ आओ मुझे आपको कुछ बताना है चू जुआनफेंग ने चू पेहान को एक तरफ खींच लिया बाकी लोग उत्सुक थे लेकिन उन्होंने पूछा नहीं क्या है वह चू पेहान उलझन में था ज्वान फेंग ने चू पेहान के कान से कहा उम हमारे बॉस सीटू जल्द ही आएंगे आएंगे मुझे नहीं नहीं पता कि वह इस निजी कमरे में आएंगे या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए यदि वह आता है तो सामान्य व्यवहार करो क्या बॉस सीटू आ रहा है चू पेहान बहुत डरा हुआ था जैसे भूत आ रहा हो वास्तव में इस दुनिया में किसी ने सीटू ये से ज्यादा चू पेहान को नहीं डराया सीटू ये ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया उसने उसके जीवन की परवाह की और उसे उसके जन्मदिन पर जन्मदिन का उपहार और साथ ही नए साल पर एक लाल लिफाफा भेजा लेकिन वह उसकी शक्तिशाली हवा को बर्दाश्त नहीं कर सकी क्यों क्यों वह यहाँ आना चाहता है वह तुम्हें उसके पास क्यों नहीं जाने देता चू पेहान को यह समझ में नहीं आया कि किंग गैंग के बॉस सीटू ये को व्यक्तिगत रूप से चू ज्वान फेंग को खोजने क्यों आना पड़ा यह उनकी सामान्य शैली बिल्कुल नहीं थी चू पेहान को नहीं पता था कि सीटू ये यहाँ क्यों आ रहे हैं उसने चू ज्वान फेंग को अपने पास क्यों नहीं जाने दिया चू फेंग को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि सीतू ये काव्या में दिलचस्पी रखते हैं काव्या वास्तव में उसका लक्ष्य थी हां सीतू ये काव्या के लिए यहां आई थी वास्तव में उन्होंने काव्या से सिटी जी में मिलने की योजना बनाई थी उन्होंने यह देखने के लिए आज सिटी एफ से सिटी जी तक की उड़ानों की जांच की थी कि क्या काव्या सिटी जी जा रही थी वह नहीं थी इसलिए सीतू ये केवल सिटी एफ के लिए उड़ान भर सकता था उसे यकीन नहीं था कि काव्या चूपेहान के दोस्तों में से एक थी लेकिन वह खुद इसका पता लगाना चाहता था यह पहली बार था जब सीटू ये को किसी महिला में इतनी दिलचस्पी थी खैर काव्या अभी महिला नहीं थी वह केवल एक किशोर लड़की थी सीटू ये ने अभिनय करते समय हमेशा अपने दिल की सुनी चूंकि उसे अब काव्या में दिलचस्पी थी उसने उसे अच्छी तरह से जानने का फ़ैसला किया हालांकि वह किंग ज्ञान का बॉस था फिर भी वह एक सामान्य जीवन जी सकता था तदनुसार यह स्पष्ट था कि वह काव्या को व्यक्तिगत रूप से देखने गया था 20 मिनट बाद सीटू ये पहुँचे उन्होंने सड़क के किनारे स्वागत करने के लिए चू ज्वानफेंग को बुलाया चू ज्वानफेंग तुरंत बाहर भागा जैसे ही वह बाहर निकला उसने सीटू ये को सड़क के किनारे खड़ा देखा उसके पीछे किंग गिरोह के दो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे बॉस क्या आपके पास निपटने के लिए कुछ जरूरी है चू ज्वानफेंग ने पूछा कुछ नहीं मुझे अभी भूख लगी है सीटू ये ने आदेश दिया तुम दोनों कार में रुको जॉन ज्वानफेंग रास्ता दिखाओ किंग ज्ञान की दो महत्वपूर्ण शख्सियतें कार में रुकी थी उम बॉस क्या हम पिहान के पास जा रहे हैं जॉन ज्वाइनफेंग ने अनिश्चितता से पूछा उन्हें विश्वास नहीं था कि किंग के के बॉस रूप में सीधू ये हाई स्कूल के छात्रों के एक समूह के साथ भोजन करेगा यह उनकी शैली बिल्कुल नहीं थी उसमें कुछ गलत है सीधू ये ने ठंडेपन से पूछा जैसे वह उसे धमकी दे रहा हो चू ज्वान फेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के इनकार किया बिल्कुल नहीं कृपया इस तरह चू ज्वानफेंग ने यह कहने की हिम्मत नहीं की भले ही उन्हें लगा कि यह अनुचित है लेकिन बॉस वे नहीं जानते कि मैं किंग गैंग का हिस्सा हूं इसलिए चू ज्वानफेंग ने कहा हालांकि इससे पहले कि वह समाप्त कर पाता सीटू ये ने बाधित किया मैं समझता हूं दरवाजा करीब नहीं था चू ज्वानफेंग ने सीधे अंदर चलते हुए सीटू ये का मार्गदर्शन किया सीटू ये पूरी तरह से काले रंग के कपड़े पहने हुए थी उनके चेहरे की अलग अलग रेखाओं के साथ उनकी सुंदर विशेषताएं थीं वह राजा की हवा के साथ अंदर आया वह सामने आया तो सभी हैरान रह गए खासकर वे लड़के वे सभी सोचते थे कि वह आदमी सुंदर और मस्त है हालांकि काव्या समझ सकती थी कि वह आदमी सरल नहीं था उसके पास एक हत्यारे की हवा थी वह सत्ता का आदमी होना चाहिए अगर काव्या ने सही अनुमान लगाया तो उस आदमी का किंग ज्ञान के साथ घनिष्ठ संबंध होना चाहिए था और वह एक उच्च पद पर था वह शायद किंग ज्ञान का बॉस था जिसका चू जुआन ने उल्लेख किया था हालांकि काव्या केवल अनुमान लगा रही थी उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह सही है उसी समय जैसे ही वह अंदर आया सीटू ये की नजर काव्या पर पड़ी लेकिन वह अभिव्यक्तिन रहा इसलिए काव्या को कुछ भी अलग नहीं लगा यह मेरा मित्र है उनके परिवार का नाम सीटू है आप उन्हें भाई सीटू कह सकते हैं चू जुआनफेंग ने उन्हें उनसे मिलवाया जिसे सुनकर सभी उन्हें भाई सीटू कहकर बुलाते हैं चू जुआनफेंग ने अपने और चू पेहान के बीच सीटू ये के लिए पहले से ही एक कुर्सी तैयार कर ली थी टेबल के चारों ओर किशोरों को पेश करने से पहले चू जुआनफेंग ने सीटू ये को बैठने के लिए आमंत्रित किया हालांकि किंग ज्ञान के बॉस सीटू ये को उन्हें जानने की कोई आवश्यकता नहीं थी लेकिन परिचय देना सामाजिक रूप से विनम्र था क्योंकि अब सीटू ये केवल चू जुआनफेंग के दोस्त थे सबसे पहले चू जुआनफेंग ने अपनी बाई ओर से परिचय दिया हाउरान किन जिक्सुन झांग तियानपिंग एन न्यू के यू मिक्सी और काव्या हालांकि जब उन्होंने काव्या का परिचय कराया तो सीटू ये ने अपना मुंह खोला मैंने तुम्हें एक बार सिटी जी में होटल के बाहर देखा था यह सुनकर काव्या हैरान रह गई लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि क्या हो रहा है वह चू ज्वाग के साथ रहा होगा ठीक है हम उस समय एक साथ थे चू ज्वान्फेंग ने समझाया काव्या ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया बाकी सभी जानते थे कि काव्या सिटी जी गई थी इसलिए उन्हें नहीं लगा कि सीटू ये की बातों में कुछ गलत है मुझे लगता है कि तुम चुप अच्छे हो क्या आप मेरे साथ प्रयास करने में रुचि रखते हैं सीटू ये ने पूछा जरूर काव्या ने तत्परता से उत्तर दिया काव्या जानती थी कि यह आदमी चू जुआन फेंग से कहीं बेहतर था और उसे मजबूत लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मजा आता था केवल चुनौतियों ने ही उसे आगे बढ़ाया क्या कोई और लड़ाई होने वाली है मैं इसकी राह देख रहा हूं मैंने अभी तक अपने बॉस को एक भी प्रतियोगिता हारते हुए नहीं देखा है हाउ रान उत्साहित था वास्तव में किन जिक्सुन और अन्य सहमत हुए आपका क्या मतलब है क्या आप सभी मुझे असफल होते देखना चाहते हैं काव्या ने आंखें मूंद ली उसकी आंखों में खतरे का इशारा था यह सुनकर हाओ रान और अन्य लोगों को तुरंत एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ गलत कहा है उन्होंने तुरंत मना कर दिया बिल्कुल नहीं हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि आप कितने उत्कृष्ट हो सकते हैं हाँ हम कभी नहीं चाहते कि आप हारे उसके लिए बहुत देर हो चुकी है काव्या ने उन पर विश्वास नहीं किया उसने गंभीरता से कहा आप सभी आज जब आप घर पर हो तो रिकॉर्ड करने के लिए एक ऐप डाउनलोड करें कि आपने कितनी दूरी तय की है हम कल सुबह आठ बजे पर्वत पर एक साथ मिलेंगे हम पहाड़ पर चढ़ने जा रहे हैं मिक्सी और पेहान को छोड़कर बाकी को समय से दस किलोमीटर पहले खत्म करना होगा अगर कोई इस काम को पूरा नहीं कर पाता है तो सजा सिर्फ दस किलोमीटर से भी बदतर होगी क्या यह सुनकर हाव रान और लड़कों ने कराते हुए अपने भाव बदल लिए नहीं बॉस कृपया इतना मतलबी मत बनिये हाउरान ने कहा बॉस मुझे पता है कि आप एक मतलबी बॉस नहीं है है ना किन जिक्सुन ने चापलूसी की बॉस क्या मैं छुट्टी मांग सकता हूँ मुके ने परेशान चेहरा पहना हुआ था बॉस क्या मैं छह किलोमीटर ही दौड़ सकता हूँ झां तियानपिंग ने सौदेबाजी की काव्या ने धमकी दी जो कोई भी शिकायत करता है वह दो किलोमीटर और दौड़ सकता है चारों लड़कों ने तुरंत अपना मुँह बंद कर लिया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे अब अपने दिल में कितने परेशान थे उन्होंने और बहस करने की हिम्मत नहीं की अब वे केवल एक ही काम कर सकते थे और वह था खाना काव्या वास्तव में मतल भी नहीं थी वह इन दिनों शाम की कक्षा में नहीं जाती थी और उन्हें प्रशिक्षण देने में कम समय लगाती थी इसलिए वह उन्हें प्रशिक्षित करने के हर अवसर का लाभ उठाना चाहती थी वह भविष्य में तेजी से व्यस्त होगी मुझे लगता है कि पहाड़ पर चढ़ना एक अच्छा विचार है कृपया मुझे अपने साथ शामिल होने की अनुमति दें और हम युताई पर्वत पर लड़ाई क्यों नहीं करते सीटू ये ने कहा चू ज्वान फेंग और चू पेहान को बहुत धक्का लगा उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ क्या सीटू ये उनके साथ युनताई पर्वत जा रहे थे वह एक बड़ा आदमी हाई स्कूल के छारों के एक समूह के साथ एक पहाड़ पर चढ़ने जा रहा था यह बहुत अविश्वसनीय था जरूर काव्या ने अस्वीकार नहीं किया हालांकि वह अभी तक उससे परिचित नहीं थी फिर भी उसे डर नहीं था कि वह खतरनाक हो सकता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा चू ज्वानफेंग ने तुरंत कहा सीटू ये के महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में और जब वे अभी सिटी एफ में थे चू ज्वानफेंग ने सोचा कि अपने बॉस का अनुसरण करना आवश्यक है रात के नाश्ते के दौरान वे सभी खाना खाते समय बातें कर रहे थे हालांकि चू पेहान हमेशा चुप रहता था जिससे हाओ रान को अजीब लगता था उसने पूछा पिहान तुम अचानक इतने शांत क्यों हो रहे हो यह कितनी अजीब बात है यह सुनकर सबकी नजर चू पेहान पर शक के साथ पड़ी चूपेहान को बेचैनी महसूस हुई लेकिन उसने तुरंत समझाया ठीक है यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है मैं बस खाता रहता हूँ चू जुआन फेंग और सीटू ये को छोड़कर जो वास्तविक कारण जानते थे टेबल के चारों ओर बाकी सभी ने इस पर विश्वास किया आखिर चू पेहान खाने का शौकीन था हालांकि काव्या को शक हुआ उसने सीटू ये के आने से पहले और बाद में चू पेहान के बदलाव पर ध्यान दिया था ऐसा लग रहा था कि चू पेहान सीटू नाम के इस आदमी से डर गया था शायद उसकी स्थिति के कारण रात के करीब ग्यारह बज गए तो वे निकलने वाले थे सीतू ये काव्या को वापस भेजना चाहते थे लेकिन अब ऐसा करना उनके लिए उचित नहीं था इस प्रकार वह केवल चू ज्वानफेंग और चू पेहान को घर ले गया काव्या फिर यू मिक्सी के साथ घर वापस चली गई हाव रैन और लड़कों ने काव्या और यू मिक्सी को घर भेजने की योजना बनाई लेकिन उन्हें अस्वीकार कर दिया गया अब देर हो चुकी थी और काव्या उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी जब से सीतू ये सामने आया था चू पेहान रास्ते में चिंतित महसूस कर रहा था जब तक वह घर नहीं पहुंची तब तक उसे चैन नहीं आया हालांकि यह सोचकर कि सीटू ये कल उनके साथ पहाड़ पर कैसे चढ़ने वाली थी चूपेहान फिर से दुखी था वह समझ नहीं पा रही थी कि किंग ज्ञान की बॉस सीटू ये उनके साथ पहाड़ पर क्यों चढ़ना चाहती थी जो केवल हाई स्कूल के छात्र थे यह कितनी अजीब तस्वीर होगी वह केवल उम्मीद कर सकती थी कि कल बारिश का दिन था और उनकी योजना रद्द कर दी गई थी या कि सीटू ये कल व्यस्त था और नहीं आ सका काव्या जब घर पहुंची तो रात के करीब बारह बज रहे थे गुमान अभी भी जाग रही थी गुकिंग और जियांगजू दोनों उसके साथ थे वे एक कारण से देर तक रुके रहे जियांगजू को काव्या को कुछ महत्वपूर्ण बात बतानी थी उसने काव्या को बताया कि उसने आज दोपहर व्यापार लाइसेंस और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर लिए हैं वह निर्माण सामग्री प्रदाता के संपर्क में भी था प्रदाता सिटी डी में था इसलिए वह अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए कल सिटी डी जा रहा था एक बार अनुबंध पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद निर्माण सामग्री बाहर भेजी जा सकती थी जब तक निर्माण सामग्री आ जाती स्टोर पर्याप्त कर्मचारियों के साथ खुलने के लिए तैयार था जियांग जू काव्या को और विस्तार से बताने जा रहा था लेकिन काव्या ने उसे रोक दिया अंकल आपको मुझे सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है मुझे आप पर भरोसा है और आप इस व्यवसाय के पूर्ण प्रभारी हो सकते हैं अगर आपको कोई परेशानी है तो आप मदद के लिए मेरे पास आ सकते हैं काव्या जियांग जू के कारोबार में दखल नहीं देना चाहती थी क्योंकि काव्या ने ऐसा कहा था जियांग जू ने बात करना बंद कर दिया गुकिंग और ज्यांग के चले जाने के बाद काव्या ने गुमान को बताया कि वह कल अपने दोस्तों के साथ पहाड़ पर चढ़ने वाली थी गुमान सहमत हुए अगले दिन काव्या सुबह छह बजकर तीस मिनट बजे उठ गई उसने अपने कैजुअल कपड़ों को अपने बालों के साथ हाई पोनीटेल में रखा शक्ति के पोषण से काव्या की त्वचा एकदम चिकनी और निर्दोष हो गई चू पेहान और यू मिक्सी को इससे बहुत जलन हो रही थी सुबह के करीब सात बज रहे थे जब काव्या ने अपना नाश्ता खत्म किया उसने अपना बैग लिया और बाद में चली गई यह फेंगुआ लग्ज़री हवेली से युटाई पर्वत तक लगभग सात किलोमीटर की दूरी पर था और वहां चलने में लगभग चालीस मिनट लगते थे काव्या जल्दी में नहीं थी यह ठीक होगा अगर वह सुबह सात बजकर पचास मिनट बजे युनटाई पर्वत पर पहुंचे काव्या के आने पर सुबह के करीब सात बजकर चालीस मिनट बज रहे थे कई वहां पहले ही पहुंच चुके थे हाउरान और अन्य तीन लड़कों को छोड़कर वे सभी यहां कार से आए थे हाओ रान और अन्य लड़कों को सुबह आठ बजे से पहले दस किलोमीटर दौड़ने का कार्य पूरा करना था इसलिए वे आज सुबह बहुत जल्दी उठे और युनताई पर्वत की ओर भागे हालांकि यह उनके घरों से युनताई पर्वत तक काफी दूर नहीं था इस प्रकार वे युनताई पर्वत के आसपास के क्षेत्र में दौड़ते रहे उन्होंने आखिरकार सुबह सात बजकर तीस मिनट बजे से पहले अपना लक्ष्य हासिल कर लिया लेकिन उनमें से प्रत्येक खड़े होने के लिए बहुत थके हुए थे उन्हें लगभग ऐसा लगा जैसे वे मर रहे हैं काव्या के आने पर उन्होंने लगभग 20 मिनट आराम किया था हालांकि इनमें से अभी तक कोई ठीक नहीं हुआ था हालांकि युताई पर्वत एक दर्शनीय क्षेत्र था वहां बहुत अधिक आगंतुक नहीं थे क्योंकि अधिकांश यहां पर्वत पर चढ़ने के लिए आते थे सीटू ये की कार ठीक एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ी थी यह वहां अच्छा था सीटू ये और चू ज्वानफेंग कार में रहे जबकि चुपेहान यू मिक्सी और एन ये बड़े पेड़ के नीचे बात करते हुए एक पत्थर की बेंच पर बैठ गए हाव रैन और अन्य तीन लड़के पास के घास के मैदान में लेटे हुए थे ड्राइवर सीट पर चू ज्वान फेंग बैठा था खिड़की ठीक प्रवेश द्वार पर थी इसलिए उसने काव्या को दूर से भागते हुए देखा उसने अपनी आंखें गोल कर ली बिल्कुल नहीं क्या वह यहां चल रही है यह सुनकर सभी ने प्रवेश द्वार देखा वे सब हैरान रह गए चू ज्वानफेंग एक ही बार में कार से बाहर निकला जब काव्या पास आई तो उसने बिना देर किए पूछा अरे क्या तुम फेंगुआ लग्जरी मेंशन से यहां तक भागे हां काव्या ने उत्तर दिया वह सात किलोमीटर दौड़ चुकी थी और थोड़ी थकी हुई थी हालांकि उसने थोड़े से लाल चेहरे के साथ केवल थोड़ी तेज सांस ली ऐसा नहीं लग रहा था कि वह लंबी दूरी तक दौड़ी थी यीशु सात किलोमीटर आप बिल्कुल भी थके हुए नहीं लग रहे हैं यह पागल है हालांकि चू जुआन फेंग मानसिक रूप से तैयार था लेकिन जब उसे काव्या से सकारात्मक जवाब मिला तो वह चकित रह गया वह सात किलोमीटर भी संभाल सकता था लेकिन इससे उसे बहुत अधिक ऊर्जा और ताकत खर्च करनी पड़ेगी इसके बाद वह मुश्किल से खड़ा हो पाता था और न ही सांस ले पाता था सीतू ये जानती थी कि काव्या कोई साधारण लड़की नहीं थी लेकिन वह उसकी अविश्वसनीय क्षमता से चकित भी थी वह शायद उससे बेहतर नहीं कर सकता था काव्या मुस्कुराई लेकिन एक शब्द नहीं बोली उसने सीतू ये को देखा जो अभी अभी कार से निकला था और उसका अभिवादन किया सीतू ने सिर हिलाया फिर काव्या को पता चला कि हाउ रैन और लड़के पास के घास के मैदान में लेटे हुए थे क्या आपने समाप्त कर दिया है हाँ आप आप खुद फोन चेक चेक कर सकते हैं हाउ रान ने अपनी सांस पकड़ने की कोशिश की कोई जरूरत नहीं है मुझे आप पर विश्वास है आप सुबह नौ बजे तक आराम कर सकते हैं फिर हम जाकर पहाड़ पर चढ़ेंगे काव्या ने कहा काव्या को अपने दोस्तों पर भरोसा था और इस बार यह एक मुश्किल काम था वह उन्हें बहुत ज्यादा धक्का नहीं देना चाहती थी काव्या ने एक बार फिर सीतू ये को देखा यह सुबह नौ बजे से एक घंटा दूर है क्या आप अभी प्रतियोगिता करना चाहते हैं लेकिन तुम अभी यहां भागे हो पहले आराम कर लो सीतू ये ने जवाब दिया काव्या अभी सात किलोमीटर ही दौड़ी थी हालांकि वह थकी हुई नहीं लग रही थी लेकिन अब वह ताकत से बाहर हो गई होगी तुरंत प्रतियोगिता कराना उचित नहीं था महान फिर सुबह आठ बजकर तीस मिनट बजे दरअसल काव्या को बाकी की जरूरत नहीं थी लेकिन वह भी सीटू ये की दया को अस्वीकार नहीं करेगी काव्या उनके लिए पानी की बोतलें लेने गई उसने जानबूझकर चार लड़कों को ठीक होने में मदद करने के लिए बोतलों में कुछ शक्ति डाली पानी पीने के बाद हाव रैन और लड़कों ने अपने शरीर के अंदर ठंडक का प्रवाह महसूस किया वे जल्द ही फिर से ऊर्जा से भर गए दस मिनट के भीतर वे वापस सामान्य हो गए और बहुत अधिक ऊर्जावान महसूस किया हाउ रैन और लड़कों ने सोचा कि यह अजीब बात है कि वे इतने कम समय में ठीक हो गए लेकिन वे नहीं जानते थे कि क्यों इसके अलावा यह सामान्य लग रहा था जब सुबह आठ बजकर तीस मिनट बस गए तो वे एक खाली जगह पर चले गए काव्या और सीटू ये लड़ाई के लिए तैयार थे जो लोग सीटू ये की पृष्ठभूमि को नहीं जानते थे वे काव्या की क्षमता के बारे में सकारात्मक थे काव्या ने कल ग्यारह बदमाशों की आंखों के सामने स्टील की लाठियों से जमकर पिटाई की थी काव्या पर विश्वास न करने का उनके पास कोई कारण नहीं था हालांकि चू जुआनफेंग और चू पेहान ने पूरी तरह से अलग राय रखी काव्या वास्तव में उत्कृष्ट थी वह चू जुआनफेंग से भी बेहतर थी लेकिन सीटू ये चू ज्वानफेंग से कहीं बेहतर थी उन्हें काव्या की वास्तविक क्षमता की कोई स्पष्ट समझ नहीं थी और वे यह भी जानते थे कि दिखावे झूठ बोलते हैं लेकिन वे फिर भी मानते थे कि सीटू ये काव्या से बेहतर थी तदनुसार उन्होंने नहीं सोचा था कि काव्या जीत सकती है दोनों का एक दूसरे को हराने का कोई इरादा नहीं था इसलिए प्रतियोगिता पांच मिनट तक सीमित थी उन्होंने एक दूसरे को सिर हिलाया फिर खेल शुरू हुआ शुरुआत में दोनों में से किसी ने भी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया कौन बेहतर था यह स्पष्ट नहीं था हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया दोनों ने धीरे धीरे हमला करने की ताकत बढ़ा दी काव्या को सीटू ये से ताकत का एहसास हुआ सीटू ये की भी यही भावना थी काव्या केवल एक किशोर लड़की थी यह चौंकाने वाला था कि वह इतनी असाधारण थी थोड़ी देर बाद काव्या को स्पष्ट रूप से पता चल गया था कि सीटू ये उससे बेहतर है वह हारने के लिए अभिशप्त थी हालांकि काव्या सीटू ये द्वारा नियंत्रित महसूस नहीं कर रही थी जैसा कि उसने पिछली बार लेंग शूटिंग के समय किया था इसलिए हालांकि सीटू ये काव्या से बेहतर थी लेकिन उसके लिए उसे चोट पहुंचाना असंभव था दोनों के बीच जमकर लड़ाई हुई जो रोमांचक भी थी हालांकि कल की लड़ाई हिंसक भी थी लेकिन मजा नहीं आ रहा था क्योंकि काव्या की तुलना में वे गुंडे बहुत कमजोर थे काव्या और सीटू ये अब जो कर रहे थे वह पुम्फू के उस्तादों के बीच असली मुकाबला था काव्या स्पष्ट रूप से असफलता नहीं चाहती थी इसलिए उसने मजबूत बने रहने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया उस स्थिति में अंदरूनी लोग जान सकते हैं कि सीटू ये बेहतर थी लेकिन बाहरी लोग यह पता नहीं लगा सके कि कौन जीतने वाला था फिर भी काव्या की असाधारण क्षमता से सीटू ये और चू जुआन फेंग दोनों बहुत चकित थे काव्या को हरा नहीं पा रहा था यह वास्तव में एक असफलता थी क्योंकि उनके और काव्या के बीच उम्र और अनुभव का फासला था सीटू ये इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे लेकिन उन्हें इस तथ्य को स्वीकार करना पड़ा कि काव्या वास्तव में उत्कृष्ट थी पांच मिनट जल्दी बीत गए हालांकि हर कोई नहीं चाहता था कि वे रुके चू ज्वानफेंग ने उन्हें याद दिलाया कि समय समाप्त हो गया है आखिर सीटू ये उनके बॉस थे उसे अपने बॉस के आदेश का पालन करना था आप कमाल है सीटू ये ने स्पष्ट रूप से प्रशंसा की तुम बेहतर हो काव्या ने तेजी से स्वीकार किया कृपया थोड़ा पानी ले और अभी आराम करें चुज्वानफेंग ने पानी की दो बोतलें ली और उन्हें सीटू ये और काव्या को अलग अलग सौंप दिया उन सभी ने सुबह नौ बजे से पहले खाना पीना तैयार किया और चढ़ाई शुरू कर दी उन्हें जल्दी करने की जरूरत नहीं थी इसलिए वे सामान्य गति से पहाड़ पर चढ़ गए मास्टर किन के जन्मदिन की पार्टी के अगले दिन ली झेंझें जाने वाले थे लेकिन किन यांगकिंग ने उन्हें रहने के लिए आमंत्रित किया ऐसा लग रहा था कि किन यिकिंग चाहती थी कि ली झंझेन उसका साथ रखे लेकिन वास्तव में वह चाहती थी कि ली झंझेन कुछ समय के लिए किन यफान के साथ रहे ली झनझेन रहने के लिए अनिच्छुक थी क्योंकि वह काव्या से डरती थी लेकिन वह भी इस महान अवसर को छोड़ने को तैयार नहीं थी इसलिए उसने खुद को रहने के लिए मना लिया हालांकि किन यफान ने कहा कि वह ली झंझेन को पसंद नहीं करते किन यिकिंग ने इसे आजमाने की योजना बनाई वे एक दूसरे को बहुत कम उम्र से जानते थे लेकिन साथ रहने के लिए ज्यादा समय नहीं था खासकर जब वे बड़े हो गए थे किन यीकिंग ने सोचा कि यह संभव है कि जब तक वे एक साथ अधिक समय बिताएंगे तब तक दोनों प्यार में पड़ जाएंगे किन युफान निश्चित रूप से जानते थे कि किन यांगकिंग के दिमाग में क्या चल रहा था वो सीधे पूरे दो दिनों के लिए अपने घर से बाहर रहा था और यहां तक कि किन यांगकिंग की कॉल का जवाब देने से भी इनकार कर दिया था किन यांगकिंग नाराज थे किन हाउझिंग और उनकी पत्नी ने किन यीकिंग से कहा कि वे किन यफान के निजी मामलों में दखल न दें हालांकि वे अपने बेटे को एक साधारण लड़की के साथ खत्म होते देख खुश नहीं होंगे फिर भी वे चाहते थे कि किन यफान उसका प्यार पाए और एक खुशहाल जीवन जिए उन्होंने यह भी सोचा कि ली झेंजेन एक बेहतरीन पसंद थी लेकिन चूंकि किन यफान उसे पसंद नहीं करते थे इसलिए वे उसे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते थे अगर उन्होंने किन युफान को ली झेंजेन से शादी करने के लिए मजबूर किया तो उनके माता पिता और बेटे के रिश्ते खराब हो जाएंगे हालांकि किन यांग किंग दम्भी और जिद्दी था किन हाउझेंग का जोड़ा मुश्किल से उसके साथ संवाद कर सका सौभाग्य से उनका मानना था कि किन यफान अपने दम पर निर्णय लेने में सक्षम था किन यफान के रवैये ने ली झेनझेन का दिल तोड़ दिया उसने शनिवार की सुबह सिटी जी जाने के लिए कहा किन यकिंग को तब उसे व्यक्तिगत रूप से हवाई अड्डे पर भेजना पड़ा इस बार किन यामकिंग काव्या पर गुस्सा थी उसकी नजर में यह सब काव्या की गलती थी काव्या की वजह से किन यफान ली झेंजेन से दूर रहा इसलिए जब ली झेनझेन चले गए तो किन यांगकिंग ने अपने एक दोस्त को काव्या का नंबर लेने के लिए बुलाया फिर उसने काव्या को सीधे कॉल किया काव्या चढ़ाई के बीच में ही थी जब उसे किन यकिंग का फोन आया हाय क्या वह मिस काव्या है किन यांगकिंग ने विनम्रता से पूछा हां कृपया कौन है काव्या ने पूछा मैं किन यफान की बड़ी बहन किन यकिंग हूं मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं क्या यह अब आपके लिए सुविधाजनक है क्या हम मिल सकते हैं किन यांगकिंग ने अच्छे रवैये के साथ पूछा किन यकिंग को चिंता थी कि अगर काव्या ने पर्याप्त विनम्र नहीं किया तो काव्या उसे ठुकरा सकती है फिर भी काव्या को लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है वह जानती थी कि किन यफान की एक बड़ी बहन है जिसका नाम किन यांगकिंग है लेकिन वे केवल एक बार मास्टर किन के जन्मदिन की पार्टी में मिले थे उन्होंने कभी आपस में बात नहीं की थी वह उससे क्यों मिलना चाहेगी काव्या इसका पता लगाना चाहती थी इसलिए उसने मना नहीं किया उसने दोपहर में बैठक निर्धारित की जब तक काव्या उससे मिलने के लिए तैयार थी तब तक किन यिंग को समय की परवाह नहीं थी एक घंटे की चढ़ाई के बाद काव्या सीटू ये और चू ज्वानफेंग को छोड़कर जो थोड़े थके हुए थे बाकी सभी थक गए थे खासकर एन ही और यू मिक्सी क्योंकि वे सबसे कमजोर थे सौभाग्य से उन्होंने इन दिनों काफी मेहनत की है इसलिए वे अब भी चढ़ाई जारी रख सकते हैं कई मिनट के आराम के बाद वे आगे बढ़े वे जितने ऊंचे चढ़े उतनी ही ठंडी होती गई हालांकि यह ठंडा था लेकिन वे इसके बजाय गर्म महसूस कर रहे थे क्योंकि वे लंबे समय से चढ़े हुए थे अगर गर्मी होती तो वे सभी बेहोश हो जाते दो घंटे बाद वे अंत में शीर्ष पर थे आगंतुकों के लिए छोटे रेस्तरां और सुपरमार्केट के साथ पहाड़ की चोटी 300 वर्ग मीटर आकार की थी युताई पर्वत बहुत सुंदर था ऊपर की बाढ़ से सीधे आगे देखने पर सफेद बादलों के समूह दिखाई दे रहे थे बादल इतने करीब थे ऐसा लगा कि आप इसे अपने हाथों से छू सकते हैं यह वह जगह थी जहां एक आगंतुक बादलों की सराहना कर सकता था और नीचे का नजारा सांस लेने वाला था शानदार चट्टाने पेड़ और घाटिया थी हाउ रैन और अन्य सभी ने शारीरिक थकान के बावजूद उत्साह के साथ तस्वीरें लेने के लिए अपने फोन निकाले यह आश्चर्यजनक है यह मेरा पहली बार इस युटाई पर्वत की चोटी पर है भले ही मैं इतने सालों तक सिटी एफ में रहा हूं बिल्कुल यह धरती पर स्वर्ग जैसा है चलो मैं इस चट्टान पर खड़ा हूं कृपया मेरी पृष्ठभूमि के रूप में सभी सफ़ेद बादलों के साथ मेरा एक फोटो ले मैं आसमान में उड़ना चाहता हूं मैं भी काव्या को तस्वीरें लेने में कोई दिलचस्पी नहीं थी वह चुपचाप ताज़ी हवा लेते हुए चट्टान के किनारे की ओर चली गई विशिष्ट होने के लिए वह यहाँ शक्ति को अवशोषित कर रही थी हां इस पर्वत की चोटी पर वायु प्रदूषित नहीं थी से साफ था कुछ शक्ति हालांकि बिजली हल्की थी फिर भी आसपास बहुत कुछ था काव्या ने मिलकर बहुत शक्ति इकट्ठी की और शक्ति मोटी होती चली गई जैसे जैसे अधिक से अधिक शक्ति उसकी जेड़ आंखों में समाती गई काव्या की दृष्टि बेहतर और स्पष्ट होती गई अचानक काव्या ने पाया कि शक्ति का प्रवाह था जिसे वह अवशोषित करने में विफल रही जिस शक्ति को वह अवशोषित नहीं कर सकी वह ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो स्वर्ग पृथ्वी या जेड़ से संबंधित न हो तो यह प्राचीन वस्तुओं का होना चाहिए बिजली हल्की थी और दूर थी ऐसा लग रहा था कि यह चट्टान के नीचे था काव्या ने उसकी लोकेशन जानने के लिए चारों ओर देखा उसने जल्द ही चट्टानों के बीच दरार को निशाना बनाया अपनी जेड आइज की मदद से काव्या ने धीरे धीरे दरार के अंदर देखा चट्टान की एक मीटर मोटी दीवार के पीछे एक कमरा था कमरा गोल एक मीटर चौड़ा और तीन मीटर ऊंचा था दो मीटर गहराई में जाने पर यह फिर से संकरा हो गया कमरा सफेद कोहरे शक्ति की धाराओं से भरा था हालांकि काव्या को शक्ति का स्रोत दिखाई नहीं दिया क्योंकि कमरा और अंदर चला गया था काव्या की जेड आईज बहुत दूर तक डिटेक्ट नहीं कर पाई भले ही वह इसे नहीं देख सकी लेकिन काव्या को यकीन था कि छेद में कोई प्राचीन वस्तु होगी शक्ति हवा में प्रवाहित होने में समर्थ थी इसलिए प्रबल शक्ति वाली कोई प्राचीन वस्तु होनी चाहिए या अनेक प्राचीन वस्तुएं होनी चाहिए काव्या इसे खोजने के लिए उत्सुक थी लेकिन यह सही समय नहीं था उसे एक दिन फिर अकेले यहां आना पड़ा और वह केवल रात को ही आ सकती थी जब आसपास कोई न हो इसके अलावा उसे छेद से नीचे उतरने के लिए रस्सियों और औजारों की जरूरत थी पहले उसे रस्सियों के सहारे नीचे जाना पड़ा और फिर पत्थर को अलग करने के लिए औजारों का इस्तेमाल करना पड़ा ताकि वह अंदर जा सके इस छेद में अन्य प्रवेश द्वार होने चाहिए थे काव्या ने पहले चारों ओर देखने का फैसला किया यदि छेद का प्रवेश द्वार होता तो वह प्रवेश द्वार से अंदर जाती यदि नहीं तो वह पत्थरों को अलग कर देगी पर्याप्त शक्ति ग्रहण करने के बाद काव्या अपने दोस्तों के पास वापस चली गई जब सभी ने उसकी आंखों को देखा तो वे मंत्रमुग्ध हो गए जिसे देखकर काव्या घबरा गई क्या उसकी आंखों में कुछ गड़बड़ थी क्या गलत तुम सब मुझे क्यों घूर रहे हो काव्या ने पूछा जब तक काव्या ने ऐसा नहीं कहा तब तक उनका दिमाग वापस नहीं आया चुपेहान अचानक काव्या के पास दौड़ता हुआ खड़ा हो गया निंगिंग मुझे अभी पता चला है कि तुम्हारी आंखें कितनी आकर्षक है बाकी सब मान गए बिल्कुल मुझे भी अभी पता चला है आपकी आंखें बहुत उज्जवल और स्पष्ट है वे जादू से भरे हुए हैं हम अपनी आंखें आपसे दूर नहीं कर सकते और मैं बिना किसी कारण के आराम महसूस करता हूं। यह सुनकर काव्या समझ गई कि क्या हुआ है उसकी जेड़ आइज ने पर्याप्त शक्ति अवशोषित कर ली थी इसलिए उसकी आंखें भी बदल गई उसकी आंखें जादू से भरी थी वे अपनी आंखें उससे दूर नहीं हटा सकते थे वे बिना किसी कारण के आराम महसूस करते थे काव्या सोचने में मदद नहीं कर सकी क्या वह अब अपनी आंखों से लोगों को बहकाने में सक्षम थी हालांकि निश्चित रूप से वह ऐसा नहीं करेगी इसके अलावा उसे यह पसंद नहीं था कि लोग उसकी आंखों में घुरें इस प्रकार उसने जानबूझकर कर हाउरान और अन्य लोगों को डराने के लिए ठंडेपन से देखा अप्रत्याशित रूप से उसका ठंडा रूप ब्लेड की तरह तेज था जो सुपर खतरनाक था सब दंग रह गए काव्या भी हैरान थी शक्ति ने न केवल उसकी आंखों को और अधिक आकर्षक बना दिया बल्कि भयावह भी बना दिया सीटू ये और चू ज्वानफिंग दोनों ही उसके भयानक रूप से थोड़ा हैरान थे एक लंबी सांस के बाद चू पेहान ने परेशान स्वर में कहा बॉस आपका लुक कितना डरावना था मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी गर्दन पर चाकू से वार किया गया हो काव्या के बगल में चू पेहान ठीक खड़ा था इसलिए उसने इसे और अधिक स्पष्ट रूप से महसूस किया था बिल्कुल अगर एक नज़र लोगों को मार सकती है तो हम पहले ही मर चुके होंगे हाओ रान ने शिकायत की जैसे वह एक घातक आपदा से बच गया हो मुझे लगभग दिल का दौरा पड़ा था म्यू के जोड़ा उसने अपनी छाती को अपने हाथों से ढक लिया जैसे वह सचमुच पीड़ित हो काव्या को नहीं पता था कि क्या कहना है वह खुद नहीं जानती थी कि ऐसा होगा हालांकि भले ही उसकी आंखें बदल गई जब तक वे उसकी आंखों में नहीं देखते उन्हें कुछ अलग महसूस नहीं होता वे एकदम से ऊपर से नीचे नहीं उतरे करीब बारह बज रहे थे तो उन्होंने पहले खाने का प्लान किया शीर्ष पर रेस्तरा और सुपरमार्केट थे लेकिन यहां आने से पहले उन्होंने खाने पीने की चीजें तैयार कर ली थी उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि ऊपर से खाने पीने का सामान महंगा था यह काव्या ही थी जिसने जानबूझकर उन्हें इसके बजाय एक भारी बोझ के साथ चढ़ने दिया यहाँ कोई गुफा है या कुछ और काव्या ने लापरवाही से पूछा कोई अनुमान नहीं बॉस क्या आप एक साहसिक कार्य की तलाश में हैं? तरह काव्या ने जवाब दिया खाना खाने के बाद उन्हें दस मिनट आराम करने का समय मिला दोपहर के करीब एक बजते बजते वे ऊपर से नीचे उतरे ऊपर की तुलना में नीचे चढ़ना बहुत आसान था और जहां से उन्होंने शुरू किया था वहां वापस पहुंचने में उन्हें केवल एक घंटा चालीस मिनट लगे उस समय लगभग दोपहर के तीन बज रहे थे हाव रान ने पीने के लिए एक जगह खोजने का प्रस्ताव रखा लेकिन काव्या ने मना कर दिया क्योंकि उसके पास कुछ और था क्योंकि काव्या नहीं जाएगी बाकी सब भी नहीं जाएंगे वे तितर बितर हो गए सीटू ये काव्या को वापस भगाना चाहती थी लेकिन उसने फिर मना कर दिया हालांकि सीटू ये थोड़ा परेशान था उसने जिद नहीं की वह ऐसा आदमी नहीं था जो किसी लड़की को वह करने के लिए मजबूर करे जो वह चाहता है काव्या के जाने से पहले उसने पहले किन यकिंग को फोन किया वह अब मुक्त थी और उससे मिलने के लिए तैयार थी किन यांगकिंग अभी एक शॉपिंग मॉल में थी इसलिए उसने शॉपिंग मॉल के बगल में एक कैफे में मिलने की जगह तय की काव्या सहमत हो गई और कहा कि वह तीस बाद वहां आएगी फिर काव्या एक टैक्सी में चली गई करीब बीस मिनट बाद काव्या शॉपिंग मॉल पहुंची वह सीधे नियुक्त कैफे में गई जब काव्या पहुंची तो किन यकिंग पहले से ही कैफे में थी काव्या उसकी ओर बढ़ी किन यकिंग एक कपड़े डिजाइनर थे इस प्रकार उसने एक महान और सुरुचिपूर्ण तरीके से कपड़े पहने हालांकि किन यांगकिंग भी एक विशिष्ट महत्वाकांक्षी महिला थी इसलिए उनमें बहुत गर्व की भावना थी इसके अलावा वह दम भी थी और उसने काव्या को उसकी आंखों में स्पष्ट तिरस्कार के साथ देखा मिस गो आपसे मिलकर अच्छा लगा आप आराम से तशरीफ रखिए हालांकि किन यांगकिंग विनम्र लग रही थी काव्या ने अपनी आवाज़ से नापसंदगी को महसूस किया काव्या तुरंत समझ गई कि किन यांगकिंग ने उसे कुछ अच्छा नहीं करने के लिए बुलाया था हालांकि काव्या शांत रही वो देखना चाहती थी कि किन यांगकिंग आगे क्या करने जा रही है काव्या बैठ गई और सामान्य रूप से पूछा मिस किन क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप आज मुझसे किस बारे में बात करना चाहती हैं ठीक है क्या तुम तो मुझे अपने माता पिता की नौकरी बता सकती हो मिस गु किन यिकिंग ने पूछा जैसे वह एक रानी थी काव्या ने किन यांगकिंग के उद्देश्य के बारे में आगे नहीं सोचा लेकिन उसे सच बताया मैं एक जनक परिवार से हूं मेरी मां ने ही मुझे पाला है वह एक फैक्ट्री में काम करती थी लेकिन तबीयत ठीक न होने के कारण उसने नौकरी छोड़ दी वह अब घर पर रहती है ओह यह सुनकर किम यांगकिंग को बहुत आश्चर्य हुआ उसने सोचा कि काव्या कम से कम ऐसे परिवार से होगी जो बुनियादी जीवन स्तर तक पहुंच सके अप्रत्याशित रूप से उसका परिवार इतनी भयानक स्थिति में था उसकी मां ने नौकरी छोड़ दी थी जिसका मतलब था कि उनकी कोई आय नहीं थी अब किन यांगकिंग काव्या को और भी नापसंद करती थी अगर आपकी मां बेरोजगार है तो आप अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं तुम्हारी मां एक कारखाने में काम करती थी मुझे लगता है कि उसका वेतन अधिक नहीं होगा क्या आपके पास अपने जीवन का समर्थन करने के लिए पर्याप्त बचत है यह कहते हुए किन यांगकिंग ने अपने चेहरे पर तिरस्कार को छिपाने की जहमत नहीं उठाई मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस किन मेरे परिवार के जीवन स्तर की इतनी परवाह करती है काव्या हल्की ठंडक के साथ मुस्कुराई किन यिंग ने मुस्कुराते हुए कहा मिस को चलो अपने कार्ड टेबल पर रख देते हैं मैं आज यहां तुमसे यह कहने के लिए मिला था कि तुम यफान से बिल्कुल मेल नहीं खाते काव्या अवाक रह गई क्या उसका किन यफान से कोई लेना देना नहीं था कैसे आया कि वह उससे बिल्कुल मेल नहीं खाती वो और किन यफान केवल साधारण दोस्त थे हालांकि काव्या गूंगी नहीं थी वह जानती थी कि किन यफान और उसके बीच गलतफहमी थी और उसने किन यकिंग के उद्देश्य का भी पता लगा लिया उसे किसने बताया कि उसका किन यफान के साथ रिश्ता है वह पागल था तुम्हें किसने बताया कि मैं किन यफान के साथ रिश्ते में हूं काव्या ने पूछा यह महत्वपूर्ण नहीं है महत्वपूर्ण बात यह है कि यद्यपि अभी यफान आपको पसंद करता है वह दो अरब युवाओं की संपत्ति के साथ हमारे किन परिवार का उत्तराधिकारी है हालांकि तुम तुम सिंड्रेला से भी गरीब हो आपके लिए हमारे परिवार में शादी करना असंभव है इसलिए कृपया यफान से दूर रहें। किन यफान ने उसे पसंद किया काव्या चकित रह गई अपमान का सामना करते हुए काव्या नाराज थी लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू पा लिया मिस किन मुझे लगता है कि कोई गलतफहमी है किन यफान और मैं केवल दोस्त हैं फिर भी किन यांगकिंग को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ किन यफान ने स्वीकार किया था कि वह काव्या को पसंद करता है और काव्या सिर्फ एक गरीब लड़की थी यह संभावना नहीं थी कि उसके मन में एक लंबे सुंदर और अत्यधिक धनी व्यक्ति के प्रति भावनाएं नहीं थी मिस गुक, बहस करना बंद करो जब तक तुम यफान से दूर रहने को तैयार हो मैं तुम्हें लाख युआन दूंगा मुझे लगता है कि आपका परिवार इतना गरीब है कि पांच लाख युआन का चेक भी नहीं देख पाएगा यह एक सार्वजनिक अपमान था तेज आवाज के साथ काव्या ने गुस्से में मेज पर अपनी हथेली से जोर से प्रहार किया वह अल्प सूचना पर खड़ी हो गई जिसने किन यांगकिंग को आश्चर्यचकित कर दिया और अपने आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित किया काव्या ने अन्य लोगों की नजरों को नजरअंदाज किया किन यांगकिंग को ठंडेपन से घूर रही थी मिसकिन क्या आपको नहीं लगता कि यह हास्यास्पद है कि आपने सच्चाई जानने से पहले ही मुझे अपमानित कर दिया जहां तक उन लोगों की बात है जो उसका सम्मान नहीं करते थे काव्या ने यह नहीं सोचा कि उन्हें उनका सम्मान करने की आवश्यकता है क्या क्या तुमने कहा कि मैं हास्यास्पद हूं किन यांगकिंग नाराज थे क्या आप हास्यास्पद नहीं है मुझे नहीं पता कि आपको किसने बताया कि मैं किन युफान के साथ रिश्ते में हूँ लेकिन मैं आपको बता दूँ कि हम सिर्फ सामान्य दोस्त हैं हम प्रेमी और प्रेमिका नहीं हैं और नहीं रहेंगे काव्या ने आत्मविश्वास के साथ किन यकिंग की ओर देखा किन यकिंग उसके रवैये से नाराज थी हालांकि इससे पहले कि किन यकिंग जवाब दे पाती काव्या ने कहा और मैं आपके पांच लाख युवान के चेक की परवाह नहीं कर सकती वास्तव में किन यफान ने मुझसे किंग्स ग्रीन और फुलशो जेड खरीदा है हालांकि काव्या इसे गुप्त रखना चाहती थी लेकिन वह किन यकिंग द्वारा सार्वजनिक रूप से अपमानित होने को तैयार नहीं थी उसे अपनी गरिमा की रक्षा करनी थी काव्या समझ गई थी कि अमीर को गरीब कभी पसंद नहीं आता लेकिन उसने कभी अपमान स्वीकार नहीं किया क्या यह सुनकर किन यांगकिंग को काफी आश्चर्य हुआ किन यफान ने काव्या से किंग्स ग्रीन और फुलुशो जेड खरीदा जिसका मतलब था कि काव्या बिल्कुल भी सिंड्रेला नहीं थी बल्कि करोड़ों युवाओं की संपत्ति वाली एक अमीर लड़की थी किन यांगकिंग की नजर में दर्जनों मिलियन युवा कुछ भी नहीं थे लेकिन वह जानती थी कि यह एक युवा लड़की के लिए बहुत कुछ था मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर किन युफान आपको बताता है कि मैंने सिटी जी में क्या किया है इसके अलावा कृपया दूसरों का तिरस्कार न करें क्योंकि आप उनसे अमीर है मैं अभी किन परिवार से कमतर हूं लेकिन कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होने वाला है काव्या ने ठंडेपन से कहा इससे पहले कि वह पीछे हटती किन यकिंग गूंगा हो गया सिटी जी सिटी जी में क्या हुआ है थोड़ी देर बाद किन यकिंग ने किन यफान को फोन किया जिस मिनट किन यफान ने उसकी कॉल का जवाब दिया उसने बिना देर किए पूछा तुम कहा हो तुम क्यों पूछ रहे हो किन यफान ने अधीरता से जवाब दिया किन यफान अपने घर वापस चला गया जब उसे पता चला कि ली झनझेन सिटी जी के लिए रवाना हो गया है लेकिन उसने सोचा कि किन यकिंग ने उसे ली झनजेन के लिए बुलाया था इसलिए उसने उसे नहीं बताया कि वह घर पर है मैं आपसे काव्या के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ किन यकिन समझ गए कि किन यफान ली झनजेन के बारे में और नहीं सुनना चाहते इस प्रकार उसने सीधे उसे बताया कि यह काव्या के बारे में है क्या क्या काव्या को क्या हुआ यह सुनकर किन अचानक घबरा गया यह जानकर कि किन काव्या की इतनी परवाह करता है किन यांगकिंग परेशान था लेकिन अब अपने छोटे भाई से बहस करने का यह सही समय नहीं था किन यकिंग ने कहा वह ठीक है मैं आपसे बस कुछ पूछना चाहता हूं फोन पर बात करना मुनासिब नहीं है आप कहाँ हैं मैं तुम्हें देखना चाहता हूं मैं घर पर हूँ किन वास्तव में काव्या की बहुत परवाह करता था पास उनका अभिवादन करने का समय नहीं था लेकिन किन यफान से सीधे पूछा यफान क्या काव्या ने तुम्हें किंग्स ग्रीन और फुलशो जेड बेचा था किन यकिंग यी किन यफान से पुष्टि चाहते थे आप यह कैसे जानते हैं किन यफान हैरान था क्या तुमने काव्या नाम की छोटी लड़की से किंगस ग्रीन और फुलशो जेड खरीदा है किन हाउजिंग भी हैरान था उसे काव्या का आभास हुआ क्योंकि काव्या ने उसे हिरणों के सिरों वाला कीमती गिलास भेजा था हां किन यफान ने उत्तर दिया फिर वह फिर से किन यांगकिंग की ओर मुड़ा आप उसे कैसे जानते हैं काव्या ने उसे इसे गुप्त रखने के लिए कहा था क्या उसके कर्मचारियों ने किन यकिंग को बताया था यह सोचकर किन यफान थोड़ा नाराज हो गया उन्होंने बाद में इसकी जांच कराने का फैसला किया किंग किन किन ने कहा मैंने अभी उससे बात की है क्या क्यों किन यफान किन 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 कि लगभग उस पर चिल्लाया मैंने तुमसे कहा था कि मेरे निजी मामलों में दखल मत दो आपने अभी भी ऐसा क्यों किया मैं उसे पसंद करता हूं लेकिन वह अभी तक नहीं जानती तुमने जानबूझकर उसे अपमानित करने के लिए ऐसा किया क्यों यह पहली बार था जब किन यफान ने अपना आपा खोया था पूरा परिवार सन्न रह गया ये किंग आपको वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहिए था अपने शिष्टाचार मत भूलना किन हाउजिंग भी किन यकिंग के व्यवहार से नाराज था आप जानना चाहते हैं कि सिटी जी में क्या हुआ है बहुत अच्छा अब मैं आपको बताता हूं किन यफान गुस्से में था कि उसकी बड़ी बहन काव्या को नापसंद करती है चूंकि काव्या ने उसे किन यकिंग को तथ्य बताने में कोई आपत्ति नहीं की उसने अपने परिवार को सिटी जी में हुई हर बात के बारे में बताया उसने अपने परिवार को बताया कि काव्या ने ली झेनझेन के साथ शर्त लगाई थी और उसने उच्च स्तरीय जेड काव्या को खरीदा था 130 मिलियन युवा की कीमत पर काटा गया उनका परिवार सदमे में था हालांकि जिस बात ने उन्हें और अधिक झकझोर दिया वह निम्नलिखित शब्द थे और फुलशॉ जेड यह एक मुट्ठी से भी बड़ा था जिसकी कीमत एक मिलियन युवा से अधिक है लेकिन उसने इसका उपयोग अपने परिवार के लिए गहने बनाने के लिए किया मुझे जो मिला वह जेड का बचा हुआ हिस्सा था क्या आपको लगता है कि वह जिसकी संपत्ति 100 मिलियन युवा से अधिक है आपके 5 लाख युवाओं के चेक की देखभाल करेगी किन यफान ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा क्या उसका परिवार अब सदमे से ज्यादा था एक फुलशो जेड जो मुठ्ठी से बड़ा था वह अब हमारे किन परिवार के साथ तुलना नहीं कर सकती लेकिन कौन जानता है कि भविष्य में क्या होगा वह एक साधारण लड़की नहीं है किन यफान ने रूखेपन से कहा फिर वह बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर चला गया जैसे ही वह कमरे से बाहर हुआ किन यफान ने काव्या को उससे माफी मांगने के लिए बुलाया उस समय काव्या पहले से ही घर पर थी वह युटाई पर्वत के बारे में जानकारी के लिए इंटरनेट पर सर्फिंग कर रही थी उसने सबसे पहले जांच की कि क्या युनताई पर्वत पर कोई गुफाएं हैं लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला युनताई पर्वत एक पर्यटक आकर्षण था क्योंकि किसी ने गुफा का उल्लेख नहीं किया है यह बहुत संभव है कि यह अभी तक पता नहीं चला है फिर काव्या ने जांच की कि क्या सुराग खोजने में मदद करने के लिए युनताई पर्वत की कोई कहानियां या है उसे वास्तव में युनताई पर्वत की एक किंवदंती मिली ऐसा कहा जाता था कि किंग राजवंश के दौरान एक निश्चित राज्य के प्रधान को रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया था सम्राट ने जांच के लिए उसे बर्खास्त कर दिया था तब वह भ्रष्ट अधिकारी अपने पूरे परिवार के साथ भागकर युनताई पर्वत पर आ गया था आगे क्या हुआ था रिकॉर्ड नहीं किया गया था आधे साल बाद तक किसी को युनताई पर्वत के तल पर एक शव मिला था उस आदमी की उंगली पर एक चीनी अक्षर ल्यू के साथ एक विस्तृत जेड़ की अंगूठी मिली थी यह बाद में पुष्टि की गई थी कि यह शरीर प्रसिद्ध प्रिफेक्ट ल्यूजियांग था लोगों को पता नहीं चला था कि ल्यूजियांग तब तक युनताई पर्वत में छिपा हुआ था ल्यूजियांग अपने साथ बहुत सारा सोना गहने वगैरह लेकर युनताई पर्वत पर आया था इसलिए सरकार ने पहाड़ की खोज के लिए कई सैनिकों को भेजा था हालांकि युनताई पर्वत एक खतरनाक जगह थी कुछ दिनों की व्यर्थ खोज के बाद सरकार ने हार मान ली थी इस किम्वदंती के कारण कई लोगों ने कहा कि युताई पर्वत में कीमती सामान छिपा हुआ था लेकिन किम्बदी आखिर एक किम्वदती थी यह सच साबित नहीं हुआ था इसलिए वास्तव में किसी ने भी इस पर विश्वास नहीं किया काव्या को शायद खुद इस पर विश्वास नहीं होता जब तक कि उसने इसे नहीं देखा होता वह लगभग निश्चित थी कि गुफा में प्राचीन वस्तुएं ल्यूजियांग के प्रिफेक्ट की रही होंगी इसी बीच काव्या का फोन बज उठा फोन करने वाला किन् युफान था काव्या इसे लेने को तैयार नहीं थी किन यांगकिंग की वजह से वो अभी अच्छे मूड में नहीं थी और वो किन यफान से भी थोड़ी नाराज थी हालांकि थोड़ी देर के बाद उसने सोचा कि इसे स्पष्ट करना बेहतर है इसलिए उसने उत्तर दिया हाय एक बार किन यफान ने काव्या की आवाज सुनी तो उसने माफी मांगी काव्या मेरी बड़ी बहन ने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मुझे बहुत खेद है कृपया मेरी क्षमा याचना स्वीकार करें ठीक है क्षमा स्वीकार है काव्या किन यकिंग को इतनी आसानी से माफ नहीं करेगी लेकिन उसने नहीं सोचा था कि वह भविष्य में उससे अक्सर मिल पाएगी किन यफान के साथ उसका संबंध खराब करने की कोई जरूरत नहीं थी धन्यवाद किन यफान ने उत्तर दिया यह वास्तव में मेरी गलती है अगर नहीं तो मैं उस समय किन यफान अचानक रुक गया वह चिंतित था और काव्या को यह बताने में झिझक रहा था कि वह उसे पसंद करता है वह अस्वीकार किए जाने से डरता था वह चिंतित था कि वह अब उसका दोस्त नहीं रह सकता लेकिन जो कुछ हुआ था अगर उसने अभी यह नहीं कहा तो शायद उसके पास इससे बेहतर मौका कभी नहीं होगा साथ ही फोन पर लड़की को अपनी फीलिंग्स बताना भी मुनासिब नहीं समझा यह सोचकर किन यफान ने सबसे पहले काव्या से मिलने की योजना बनाई उम काव्या मुझे तुमसे कुछ कहना है क्या आप कृपया बाहर आ सकते हैं और थोड़ी देर के लिए मुझसे मिल सकते हैं बस मुझे फोन पर बताओ यह ठीक है काव्या लगभग जानती थी कि किन यफान उसे क्या बताने जा रहा है हालांकि वह नहीं चाहती थी कि वह ऐसा करे लेकिन वह उसे रोक नहीं सकी चूंकि काव्या ने ऐसा कहा किन यफान को फोन पर बात जारी रखनी पड़ी आपके साथ जो हुआ उसके लिए मुझे खेद है अगर मैंने अपनी बड़ी बहन को नहीं बताया होता कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो ऐसा नहीं होता मेरी बड़ी बहन बॉसी है और हर चीज में शामिल होना पसंद करती है लेकिन मैं अलग हूँ मैं काम में मजबूत हूँ लेकिन अपने जीवन में न तो दबाव डालता हूँ और न ही दम्भी हूँ और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं वास्तव में काव्या को पसंद करता हूँ क्या आप मुझे एक मौका दे सकते हैं दरअसल काव्या ने सही अनुमान लगाया था किन उसे बताने जा रहा था कि वह उसे पसंद करता है लेकिन काव्या को कुछ नहीं लगा वो शायद खुश महसूस नहीं कर रही थी क्योंकि किन यफान वह आदमी नहीं था जिसे वह पसंद करती थी क्षमा करें मुझे लगता है कि हमारे लिए दोस्त बने रहना बेहतर है काव्या ने कहा यह एक नहीं था यह कोई आश्चर्यजनक उत्तर नहीं था लेकिन किन यफान के लिए इसे स्वीकार करना अभी भी कठिन था उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में चाकू घोंक दिया हो उसे अब बहुत दर्द हो रहा था शायद इसलिए कि जब उनका दिल टूटा था तो उन्हें ऐसा ही लगा था काव्या पहली लड़की थी जिसे उसने महसूस किया कि उसने उसके दिल को छू लिया है इसलिए वह तुरंत हार नहीं मानना चाहता था उसने पूछना जारी रखा सचमुच क्या आप मुझे मौका नहीं दे सकते अगर मैंने कुछ ऐसा किया है जो आपको नापसंद है तो कृपया मुझे बताएं मैं बदल दूंगा कुछ नहीं काव्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा इसका आपकी उपस्थिति या आपकी पृष्ठभूमि से कोई लेना देना नहीं है मेरे पास आपके साथ भावनाएं नहीं है मुझे क्षमा करें किन यफान खुद को रोक नहीं सका और कई बार पीछे हट गया काव्या ने उसे मौका ही नहीं दिया इसके अलावा वह उसके लिए कुछ भी महसूस नहीं करती थी हालांकि किन यफान बहुत दुखी था वह काव्या को नाराज़ नहीं करना चाहता था चूंकि काव्या ने साफ साफ कह दिया था इसलिए वह भी अब उसे परेशान नहीं करना चाहता था ठीक है फिर ओम अलविदा किन यफान ने तुरंत फ़ोन काट दिया वह खाली महसूस कर रहा था और अब खो गया काव्या अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को देखती रही उसके मन में मिश्रित भावनाएं थी वह जानती थी कि किन यफान दुखी होगा कि उसने उसे अस्वीकार कर दिया था लेकिन वह उसे दिलासा नहीं दे सकती थी यदि उसने ऐसा किया तो वह पुरुष को आशा दे रही थी काव्या ने कुछ हद तक क्रूर होना चुना उसने पुरुषों पर कभी विश्वास नहीं खोया भले ही एक आदमी ने उसके पिछले अवतार में उसे धोखा दिया हो हालांकि उसने सही मायने में किन यफान को केवल अपना दोस्त माना काव्या को पता नहीं था कि वह किस तरह का आदमी है उस प्रश्न के बारे में सोचते हुए काव्या अनजाने में अपने भ्रम में पड़ गई अचानक उसके दिमाग में लेंग शोटिंग का चेहरा आ गया काव्या चकित रह गई उसने तुरंत अपना दिमाग वापस पा लिया लेकिन वह अपने दिल को इतनी तेजी से धड़कने से नहीं रोक सकी क्यों क्या लेंग शाउटिंग उसकी टाइप थी हालांकि वह निश्चित नहीं थी लेकिन वास्तव में उस पर उसका काफ़ी अच्छा प्रभाव था काव्या रिश्ते में मुर्गी नहीं थी चूंकि वह निश्चित नहीं थी इसलिए उसने इसका पता लगाने का फ़ैसला किया उसे शक से नफ़रत थी बेशक अगर उसे किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार हो जाता है जो उसे नापसंद करता है तो वह उसे प्यार करने के लिए मजबूर नहीं करेगी काव्या ने लेंग शोटिंग कहते हुए अपना फोन निकाला लेकिन उसका फोन बंद था काव्या जानती थी कि लेंग शोटिंग जरूर किसी टास्क के बीच में होगी वो सही थी लेंग शोटिंग वास्तव में एक टास्क के बीच में थी यह सूर्यास्त था आकाश अभी भी जल रहा था शहर से दूर एक पहाड़ी इलाके में एक खाबड़ गंदगी वाली सड़क पर एक काला हमर बिना रुके तेजी से आगे बढ़ रहा था रास्ते में उसका इंजन दहाड़ रहा था कार में जू जिनचेन ड्राइवर की सीट पर बैठे थे जबकि लेंग शाउटिंग यात्री सीट पर थे पीछे की सीट पर दो युवक भी थे बॉस ड्राइव करने के लिए सड़क बहुत आसमान है कार जल्द ही टूट जाएगी जो जिनचेन ने शिकायत की वह एक कार प्रेमी था और इसे बर्दाश्त नहीं कर सका लेंग शाउटिंग ने उसे नजरअंदाज किया लेकिन अपनी निगाहें अपने हाथों में लगे जीपीएस पर टिका दी बॉस क्या कार से ज्यादा महत्वपूर्ण काम है पीछे बैठे एक आदमी ने छेड़ा उसका नाम शिनबेई था और वह रेड फ्लेम में पांचवें स्थान पर था जो जिनचैन उनकी टीम में दसवें स्थान पर थे लेंग शाउटिंग को छोड़कर जो अपनी उत्कृष्ट क्षमता के कारण उनके बॉस बन गए बाकी सभी को उनकी उम्र के अनुसार स्थान दिया गया वे सभी सेना के सबसे सम्भ्रांत सैनिक थे वे युवा लोग थे जिन्होंने महान उपलब्धियां हासिल की थी और उनके पास आधिकारिक पद थे हाँ हाँ तुम्हें पता है जिनचैन को कारों से बहुत प्यार है वह बल्कि अपनी कार के लिए पीड़ित होगा दूसरे आदमी ने मजाक किया वह सी मिंग थे जो अपनी टीम में सातवें स्थान पर थे मुझे लगता है कि हमारे बॉस जानबूझकर ऐसा करते हैं वह जानता है कि मुझे ऐसी स्थिति में भुगतना पड़ेगा लेकिन उसने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया मैं वैसे इस कार्य के लिए आवश्यक नहीं हूँ जू जिनचेन ने शिकायत करना जारी रखा बॉस जानबूझ ऐसा क्यों करेगा शिनबेई ने पूछा हालांकि इससे पहले कि जू जिनचेन अपना मुंह खोल पाता लेंग शाउटिंग ने ठंडेपन से कहा कार को जंगल में रोक दो फिर पहाड़ पर चलते हैं एक बार जब लिंग शोटिंग ने आदेश दिया तो किसी ने शिकायत करने की हिम्मत नहीं की उन सभी ने एक गंभीर चेहरा पहना था जो जिंचे ने तुरंत कार चलाने वाले स्टीयरिंग व्हील को जंगल में घुमा दिया और इसे एक अनजान जगह पर रोक दिया वे तेजी से कार से बाहर निकले फिर वे पहाड़ पर चढ़ गए उनका उद्देश्य देश आर से जासूसों को पकड़ना था हालांकि जासूस को कुछ भी उपयोगी नहीं मिला था यह अस्वीकार्य था कि उसने इस देश की सुरक्षा को खतरे में डाला रेड फ्लेम टीम कोई साधारण टीम नहीं थी उन्होंने केवल तीन दिन बिताए थे जब उन्होंने एक जासूस पर सफलतापूर्वक लोकेटर लगाया था उनके पास जासूसों की लोकेशन थी और उन सबको एक साथ पकड़ने वाले थे अंधेरा हो रहा था और पहाड़ की सड़क पर चलना आसान नहीं था हालांकि लेंग शाउटिंग और उनके साथियों के लिए जो अंधेरे में अपने कार्यों को पूरा करने के आदि थे यह कुछ भी नहीं था वे तेजी से चले लेकिन चुपचाप उनका लक्ष्य और करीब आ रहा था आधे घंटे बाद लेंग शौटिंग और उनके साथी अपने गंतव्य पर पहुंचे यह एक गुफा थी वे तुरंत उसके पास नहीं पहुंचे बल्कि पहले उसके आसपास की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए घास फूस और पेड़ों के बीच छिप गए यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई घात नहीं लगा है वे धीरे धीरे गुफा के पास पहुंचे जब वे गुफा के द्वार पर थे तो उन्होंने उसमें से स्पष्ट आवाजें सुनी हालांकि संवाद कंट्री आर की भाषा में थे लेंग शाउटिंग और उनके साथियों ने इसे समझा वे कई भाषाओं को जानते थे जिसके लिए किसी भी एजेंट के लिए योग्यता की मांग की जाती थी वे गुप्तचर अनायास ही बातें कर रहे थे ऐसा लगता था कि उन्हें पता नहीं था कि उन्हें पहले ही खोज लिया गया था जो कि लेंग शाउटिंग और उनके साथियों के लिए एक फायदा था वे सही समय पर गुप्त रूप से अंदर आ गए और जब उन जासूसों को पता चला कि वे पकड़े गए हैं तब तक बहुत देर हो चुकी थी राउंड राउंड फायरिंग के बाद किया गया हालांकि यह कोई कठिन काम नहीं था फिर भी रेड फ्लेम ने हमेशा की तरह इसे गंभीरता से लिया ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मामलों को संभालने के लिए रेड फ्लेम हमेशा सबसे अच्छा विकल्प था क्योंकि रेड फ्लेम इस देश में सबसे भरोसेमंद विशेष बल था कार्य समाप्त हो गया है लेकिन मेरे लिए उस सड़क पर वापस जाना यादना है जो जिनचिन ने अपने सीने को हाथ से ढक लिया जैसे उसे दर्द हो रहा हो वैसे भी यह आपकी कार नहीं है क्या आपको वाकई ऐसा करना है शिन बेई ने उनके कृत्य का तिरस्कार किया अगर यह उसकी कार होती तो वह शायद रो रहा होता सीमिंग हंसे हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो शिनबे अधिक सहमत नहीं हो सका मुझे अपनी सहानुभूति दिखाओ मैं तुमसे नफरत करता हूँ जू जिनचेन ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और लेंग शाउटिंग के साथ आगे बढ़ गए बॉस आप आगे क्या करने वाले हैं जो जिनचेन ने पूछा वह करो जो मुझे करना चाहिए लेंग शाउटिंग ने उत्तर दिया अच्छा आप पूरे दिन काम करते हैं लेकिन हमारी टीम में निपटने के लिए उतनी चीजें नहीं है मुझे समझ नहीं आता कि तुम हर दिन इतने व्यस्त क्यों रहते हो जो जिनचेन ने कहा मैं ऐसा नहीं करना चाहता मैं लड़कियों को डेट करना पसंद करता हूँ और मुझे जो पसंद है उसे ढूंढता हूँ नहीं तो मेरा परिवार मेरे लिए फैसला करेगा यह दयनीय है जो जिनचेन के पिता ने उन्हें दूसरे दिन फोन करके पूछा था कि उनकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं यदि नहीं तो उसके पिता उसके लिए एक ब्लाइंड डेट की व्यवस्था करेंगे जो जिनचेन को स्पष्ट रूप से पता था कि यह कितना दयनीय होगा यदि उसे एक ऐसी महिला के साथ अपना जीवन बिताना पड़े जिसे वह नापसंद करता हो हर किसी को उम्मीद थी कि वह अपना शेष जीवन किसी प्यार करने वाले के साथ बिताएगा जो जिनचेन को यह कहते हुए सुनकर लेंग शाउटिंग के मन में एक विचार आया उसने काव्या के बारे में सोचा वह काव्या के प्रति अपनी भावनाओं को बिल्कुल नहीं जानता था हालांकि एक बार जब उन्होंने काव्या के बारे में सोचा तो उन्होंने बिना किसी कारण के आराम महसूस किया और उनसे तुरंत मिलना भी चाहते थे सिटी एफ में काव्या के साथ फोन कार्ड देने के बाद किन यफान का दिमाग तब तक वापस नहीं आया जब तक कि काफी समय नहीं बीत गया उसने बाद में वेई झिरुई को फोन किया और उसे पीने के लिए जाने के लिए कहा एक आदमी जिसकी मनोदशा खराब थी के मन में पहला विचार शराब पीने का था वह शराब पीकर अपना दर्द दूर करना चाहता था लेकिन अंत में वह और अधिक दुखी महसूस करने लगा थोड़े समय के बाद वेई झिरुई पहुंचे जब उसने किन यफान को देखा किन युफान पहले से ही थोड़ा नशे में था आपको क्या हुआ वेई झिरुई ने चिंता से पूछा किन यफान ने उसे फोन पर सिर्फ इतना बताया था कि उसका मूड खराब था लेकिन उसे इसका कारण नहीं बताया इस प्रकार वे झिरुई स्पष्ट नहीं था कि किन यफान इतना उदास क्यों दिख रहा था इसके अलावा उसने कभी भी किन यफान को इतना टूटा हुआ नहीं देखा था मुझे छोड़ दिया गया है किन यफान ने कहा क्या कब वे झिरुई हैरान रह गए तुम्हें गर्लफ्रेंड कब मिली मैं इसके बारे में कुछ कैसे नहीं जान सकता था उनकी आपस में गहरी दोस्ती थी अगर किन यफान की कोई गर्लफ्रेंड होती तो उसे पता होता कुमा किन यफान ने एक कुटिल मुस्कान दी मेरे पास एक नहीं था उसने मुझे अस्वीकार कर दिया जब मैंने उसे बताया कि मैं उसे पसंद करता हूं किन यफान ने तब वेई झिरुई को सब कुछ बताया जिसमें यह तथ्य भी शामिल था कि किन यकिंग ने काव्या से बात की थी जहां तक किन यकिंग ने किया था वेई झिरुई ने भी अस्वीकृत वह और किन यफान करीबी दोस्त थे लेकिन किन यकिंग के बारे में उन्हें कभी भी अच्छी जानकारी नहीं थी आखिरकार ये किन यफान का निजी मामला था इसलिए वेई झिरुई उसके साथ शराब पीने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था हालांकि वह जानता था कि किन यफान काव्या के साथ अलग व्यवहार करता है उसे उम्मीद नहीं थी कि किन यफान वास्तव में काव्या को पसंद करता है हालांकि काव्या अभी अठारह साल की ही हुई थी उस रात किन युफान पूरी तरह से नशे में था यह पहली बार था जब उसने इतना नशा किया था लगभग 12 बजे तक लेंग शाउटिंग अपने स्थान पर वापस नहीं आया उसने अपना फोन चालू किया यह देखते हुए कि काव्या का एक मिस्ड कॉल था लेंग शॉटिंग थोड़ा उत्साहित था उसने उसे फोन किया था फिर लेंग शोटिंग अचानक घबरा गया क्योंकि उसे नहीं पता था कि काव्या ने उसे क्यों बुलाया था क्या वह मुसीबत में थी अगर उसके साथ कुछ भयानक हुआ था और उसे उसकी मदद की जरूरत थी लेकिन उसने उसकी कॉल मिस कर दी थी तो वह इसके लिए खुद को दोषी ठहराएगा भले ही बहुत देर हो चुकी थी लेंग शाउटिंग ने बिना देर किए काव्या को वापस बुला लिया काव्या को देर तक रहने की आदत थी इसलिए वह उस समय जाकर पढ़ रही थी लेंग शोटिंग की कॉल देखकर काव्या भी उत्साहित थी वह थोड़ा घबराई भी एक लंबी सांस लेने के बाद उसने कॉल का जवाब दिया हाय क्या आपने मुझे आपात स्थिति के लिए बुलाया था लेंग शोटिंग ने काव्या की आवाज सुनते ही पूछा हालांकि उसे काव्या की चिंता थी वह हमेशा की तरह ठंडा रहा अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या मैं आपको फोन नहीं कर सकता काव्या ने पूछा बेशक आप कर सकते हैं लेंग शाउटिंग ने उत्तर दिया काव्या के ठीक होने की बात सुनकर वह निश्चिंत हो गया काव्या ने कहा किसी ने मुझसे कहा कि वह आज मुझे पसंद करता है हालांकि जिस क्षण उसने कहा कि उसे इसका पछतावा है उसे पता नहीं था कि उसने लेंग शाउटिंग को क्यों कहा हालांकि लेंग शाउटिंग का दिल कस गया वह निराश हो गया और हड़बड़ी में पूछा क्या आप उसे पसंद करते हैं इसके बजाय काव्या को यह आभास हो गया था कि लेंग शोटिंग वास्तव में घबराई हुई थी और वह इस बात से खुश थी उसने तुरंत उससे पूछा क्या आप चाहते हैं कि मैं उसकी प्रेमिका बनूं या नहीं बिल्कुल नहीं लेंग शाउटिंग ने अनजाने में उत्तर दिया क्यों काव्या ने पीछा किया क्योंकि लेंग शाउटिंग एक सेकंड के लिए रुक गया जब काव्या आशा से भरी हुई थी लेंग शोटिंग ने फिर से अपना मुंह खोला क्योंकि तुम प्यार में पढ़ने के लिए बहुत छोटे हो आपको अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देना चाहिए यह सुनकर काव्या नाराज हो गई नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा उसने बाद में लेंग शोटिंग पर फोन रख दिया काव्या की प्रतिक्रिया से लेंग शाउटिंग गूंगा हो गया क्या क्या मैंने कुछ गलत कहा लेंग शाउटिंग जैसा आदमी जो महिलाओं को बिल्कुल नहीं समझता था उसे जाने देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था यही कारण था कि भविष्य में जब उसने अपनी पत्नी का पीछा किया तो उसे बहुत पीड़ा हुई इस बीच एक पांच सितारा होटल में सीडू एक खामोशी में एक सोफे के खिलाफ झुक गई उन्हें अतीत में महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि उन्हें लगता था कि महिलाएं मुसीबत हैं इस प्रकार कई वर्षों तक उसके आसपास कोई महिला नहीं थी हालांकि अब काव्या में उनकी दिलचस्पी बढ़ रही थी वह उसके बारे में और जानना चाहता था और उससे अधिक बार मिलना चाहता था समस्या केवल यह थी कि वह काव्या से परिचित नहीं था इसलिए उसके पास उसके पास रहने के बहाने नहीं थे हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था या कोई भी नहीं था जब तक वह चाहता था उसने चू जवानफेंग और चू पेहान को यह नहीं बताया कि वह काव्या में दिलचस्पी रखता है जिसका मतलब था कि वह उनसे उसकी मदद करने के लिए भी नहीं कह सकता था फिर उसे क्या करना चाहिए किंग गैंग के बिग बॉस ने खुद को ठगा हुआ महसूस किया अगले दिन काव्या कुछ औजार खरीदने निकली उसने आज रात मेहतर शिकार करने की योजना बनाई काव्या ने ऐसा पैसे के लिए नहीं बल्कि जिज्ञासा उत्तेजना और प्राचीन वस्तुओं के प्रति अपनी विशेष भावनाओं के लिए किया गुमान और गुकविंग का भी आज सुबह स्किन केयर अपॉइंटमेंट था इसलिए वे काव्या के साथ चले गए जबकि जियांग जिन् घर पर अकेली रहती थी उसके घर में एक कंप्यूटर था और वह बड़ों के साथ भी घूमने को तैयार नहीं थी गुमान ने यह नहीं पूछा कि काव्या आज बाहर क्यों जा रही है उसने केवल उसे सावधान रहने की याद दिलाई गुक इंडियान और लिंग लिजवान गुज्याओक्साओं के साथ सिटी जी के लिए रवाना होने वाले विमान में सवार हो गए काव्या अपनी खरीदारी खत्म करने के बाद गुमान और गुकविंग से मिलने ब्यूटी सैलून गई घर वापस जाने से पहले वे खाना खाते और बाद में टहलने जाते हालांकि जैसे ही काव्या दरवाजे पर पहुंची उसने अंदर से एक तकरार सुनी उसने गुकविंग की गुस्से वाली आवाज़ को पहचान लिया लेकिन वह इसे स्पष्ट रूप से नहीं सुन सकी काव्या को बेचैनी महसूस हुई वह एकाएक दौड़ती हुई आई एक निजी कमरे के बाहर लोगों का एक समूह इकट्ठा हो गया निजी कमरे में शोर शराबा हो रहा था देवियों कृपया दूसरे निजी कमरे का उपयोग करें यदि आप शीमती को नाराज करते हैं तो इससे आपका कोई भला नहीं होगा एक ब्यूटिशियन ने अपने गुलाबी लाल वर्दी में गुकविंग और गुमान को अहंकारी तरीके से मना लिया क्यों यह आपके व्यापार करने का तरीका है यह वह है जिसने अपनी नियुक्ति स्थगित कर दी हमें क्यों जाना चाहिए गुकिंग पागल था हालांकि वह जानती थी कि श्रीमती वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थी फिर भी वह उसके व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और गुमान इतनी डर गई थी कि वो बुकविंग के पीछे छिप गई जिससे काव्या असहज महसूस करने लगी तो क्या हुआ क्या आप जानते हैं मैं कौन हूं मेरे पति डोंगेंग रियल एस्टेट वो लियानकिन के अध्यक्ष हैं तुम मेरा क्या कर सकते हो महिला ने कहा जैसे वह रानी थी डोंगेंग रियल एस्टेट के अध्यक्ष वुलियानकिन ठीक वही व्यक्ति थे जिन्होंने मास्टर किन के जन्मदिन की पार्टी में दूसरे दिन ऐन ग्वांग्याओं को चुना था काव्या ने उसके बाद वु लियानकिन के बारे में एन ग्वांग से बात की थी वह आदमी बहुत महत्वाकांक्षी था सिटी एफ में डोंगेंग रियल एस्टेट शाखा के अध्यक्ष के रूप में वह अपनी निजी संपत्ति के रूप में शेंगुआ रियल एस्टेट का अधिग्रहण भी करना चाहते थे हालांकि वह इसके लिए ज्यादा भुगतान नहीं करना चाहता था इसलिए काव्या ने मौका जीत लिया था इसके अलावा वो लियानकिन एक विशिष्ट पाखंडी था जो दूसरों को उनकी पीठ पीछे फंसाना पसंद करता था ओ तुम्हारे पति डोंगेंग रियल एस्टेट के अध्यक्ष हैं तो क्या हुआ काव्या ने अंदर चल रही भीड़ को अलग किया उसने महिला की ओर तिरस्कार से देखा काव्या के ठंडे और कठोर रूप को देखकर श्रीमती वो को खतरा महसूस हुआ और वह गूंगी हो गई निंगिंग गुकिंग और गुमान ने आराम किया जब उन्होंने देखा कि काव्या वहां थी काव्या उनके पास गई और ध्यान से पूछा माँ मौसी आप ठीक हैं हम ठीक है लेकिन बस नाराज है गुकिंग ने शिकायत की थोड़ी देर के बाद श्रीमती हु ने अपमानित महसूस किया कि वह एक युवा लड़की द्वारा हैरान और तिरस्कृत हो गई थी आप क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरा सम्मान न करो ठीक है काव्या ने व्यंग्य किया मुझे नहीं लगता कि तुम इसके लायक हो मुझे परवाह नहीं है कि आप कितने शक्तिशाली हैं अभी मेरी माँ और मौसी से माफी मांगो क्या असंभव श्रीमती हु इस पर विश्वास नहीं कर सकती थी और निश्चित रूप से इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी सिटी एफ में कोई भी उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करता था मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो आपको माफी मांगनी चाहिए काव्या ने जोर देकर कहा आप श्रीमती वू को उम्मीद नहीं थी कि काव्या ने उनके खिलाफ बहस करने की हिम्मत की श्रीमती वू ही नहीं बल्कि अन्य लोग भी हैरान थे क्या वह श्रीमती वू से अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति थी या वह सिर्फ बोली थी निंगिंग गुकिंग और गोमान थोड़े चिंतित थे वे और परेशानी नहीं पैदा करना चाहते थे यह ठीक रहेगा काव्या ने उन्हें दिलासा दिया वह आज नहीं देगी उसकी दृष्टि श्रीमदी हु पर फिर से पड़ी क्या आप माफी मांगने जा रहे हैं या नहीं नहीं। तो क्या हुआ श्रीमदी हु को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह जवान लड़की उनके साथ कुछ भी कर सकती है वास्तव में काव्या ने एक बार फिर व्यंग्य किया उसने श्रीमदी को ठंडे अंदाज में देखा श्रीमदी भयभीत थी खासकर जब काव्या उसके पास पहुंची श्रीमती वो डर के मारे पीछे हट गई गुलाब की लाल वर्दी में ब्यूटिशियन को डर था कि श्रीमती वो को उसके कार्यस्थल पर चोट लग जाएगी इसलिए उसने तुरंत काव्या को रोक दिया मिस अगर आपका श्रीमती वो के साथ बुरा संबंध है तो यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा तुम इसे भूल क्यों नहीं जाते